वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे पैनोमैटिक बॉक्स में जो एयर लीकेज की समस्या होती है। तो जैसे इस बॉक्स से एयर आ रहा है तो कौन सा सोलेनॉइड वाल्व ख़राब है या सिलेंडर से रिटर्न होकर एयर आ रहा है, तो उसी के बारे में बताएँगे। और उसको ढूंढने का दो ऑप्शन है, या तो आप इस बॉक्स के माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि सिलेंडर की सील कटी है या चेक करना है कि सब सिलेंडर प्रॉपरली हैं, वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसको चेक करना है तो उसको भी हम बताएंगे। जो डायरेक्ट आप जो सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है और जिस पोर्ट की बात होगी, जो इसमें जो मैनिफोल्ड जो है जिस पे सोलेनॉइड वाल्व लगे हैं जिससे एयर लीक हो रही है, आपको वो चीज़ ध्यान देना होगा उसकी पाइपें किस किस जगह पर जाती हैं और किस किस फंक्शन के लिए वर्क करती हैं। जैसे कंप्रेसर से एयर खोल देंगे और जैसे एयर चालू हो गया, आपको यहाँ पर देखिए लीकेज की आवाज़ आ रही है। तो अभी एक काम करेंगे और इसको हम चेक करने के लिए आगे आपको दिखाते हैं। तो ये जो सिलेंडर में दो पाइपें इस्तेमाल होती हैं, एक ऊपर साइड में जो कि अभी ऊपर में कंटिन्यू प्रेशर आ रहा है, और नीचे साइड। तो जो हमें चेक करना है सिलेंडर की सीलें सही हैं कि नहीं है, तो जो प्रेशर जा रहा है कंटिन्यू उसको नहीं निकालेंगे हम, दूसरी साइड को निकाल देंगे, पाइप यहाँ से निकाल देंगे। और यहाँ से पाइप जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पॉइंट से देखिए एयर आ रहा है। एयर क्यों आना चाहिए, एयर नहीं आना चाहिए, ये उतनी देर आना चाहिए जितनी देर सिलेंडर ओपन होने के लिए जो उसमें एक्सेस एयर होती है वो एग्जिस्टिंग एयर आनी चाहिए। अब वहाँ से जब यहाँ को आते हैं तो यहाँ को देखिए इस पोर्ट पे हवा आ रहा है, और इस पाइप जो जिस सिलेंडर का पाइप मैंने निकाला था उसका यहाँ सोलेनॉइड वाल्व से निकाला हूँ, इससे भी एयर आ रहा है। और यहाँ जैसे लगा देंगे तो ये पूरे पोर्ट से एयर आने लग रहा है, तो इसका मतलब कि इसके नीचे की जो भी पाइपें हैं सब हम हटा देंगे, और सबकी जो इसमें कनेक्ट होने वाली पाइपें हैं जिसके पाइप से एयर आएगा उससे ऑपरेट होने वाले सिलेंडर का सील कटा हुआ है।